इन द सेकेंड पार्ट वी कम्प्लीट अप टू हेयर नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। सवित्री को नारद की भविष्यवाणी हमेशा याद रहती। वह एक एक दिन गिनती और भगवान से सत्य मान के चिरायु, चिरायु मीन्स लंबी आयु या दीर्घ आयु होने की प्रार्थना करती रहती। अंत में वे दुर्भाग्य का वह दिन ना ही पहुँचा। दुर्भाग्य मीन्स बदकिस्मती। सवित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास मीन्स व्रत रखना शुरू कर दिया। यद्यपि वह दुर्बल हो गई थी, दुर्बल मीन्स पतली हो गई थी, फिर भी उसके मुख पर अपूर्व तेज था। उस दिन उसने क्षण मीन्स पल के लिए सत्यवन को ना छोड़ने का निश्चय किया। जब सत्यवन जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने को तैयार हुआ तो सवित्री भी अपनी सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवन के साथ जंगल में गई। तो सवित्री को नारद की जो भविष्यवाणी थी वो हमेशा याद रहती थी। वो एक एक दिन गिनती रहती थी और भगवान से सत्यवान की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहती थी। अंत में वो दिन आ गया जब वो उसका लास्ट दिन था, आखिरी दिन था। सवित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखने शुरू कर दिए और वो उस व्रत के कारण पतली भी हो गई थी, लेकिन उसके मुख पर बड़ा ही तेज था, अलग सा जो तेज थी, रोशनी थी। तो उस दिन उसने एक पल के लिए अपने पति सत्यवान को नहीं छोड़ा और उसने उसके साथ रहने का निश्चय किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने को तैयार हुआ तो उसने अपने सास ससुर से आज्ञा ली और उसके साथ चल पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अचानक उसके मस्तिष्क मतलब सिर में पीड़ा होने लगी और वह नीचे उतरकर जमीन पर लेट गया। सवित्री उसका मस्तक अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी, मतलब दबाने लगी। उसने समय लिया कि महान संकट की घड़ी आ पहुंची है। सत्यवान को मूर्छा आ गई, मूर्छा में मतलब बेहोश हो गया। इतने में सवित्री ने देखा कि भैंसे पर सवार एक लाल वस्त्रधारी मतलब लाल कपड़े पहना हुआ पुरुष मतलब आदमी उसकी ओर आ रहा है। समीप आकर, समीप मतलब नज़दीक आकर बोला, सवित्री आज सत्यवान की आयु पूरी हो गई है। तुम्हारे स्थित सतीत्व के तेज से हमारे दूत यहाँ आकर वापस चले गए, अतः मैं स्वयं उसके प्राण लेने आया हूँ। तुम मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करने दो। यह कहकर यमराज के सत्यवान के प्राण हर लिए और वे यमलोक को चल दिए। तो जैसे ही वो वन में पहुँचे सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़ गया लकड़ी काटने के लिए। अचानक उसके सिर में दर्द हुई और वो नीचे उतर कर जमीन पर लेट गया। तो सवित्री ने उसके सिर को दबाया और अपनी गोद में ले लिया और उसने समझ किया कि जो महान संकट की घड़ी है वो आ गई है। और अचानक ही सत्यवान बेहोश हो गया और जैसे ही उसने देखा कि सवित्री ने देखा कि दूर से एक भैंसे पर सवार होकर एक आदमी आ रहा है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। और वो जैसे ही सवित्री के नज़दीक आया उसने बोला कि सत्यवान की उम्र पूरी हो गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पहले कुछ दूत आए थे, लेकिन वो तुम्हारे सतीत्व मतलब तुम्हारे तेज को देखकर, तुम्हारे जो अपने दृढ़ विश्वास को देखकर उसने वो वापस चले गए थे, इसीलिए मैं खुद आया हूँ सत्यवान को लेने के लिए। तो तुम मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करने दो। ये कहकर यमराज क्या करता है, सत्यवान के प्राण मतलब उसकी जो जिंदगी होता है उसके जो जीवन को ले लेता है और यमलोक को चल देता है। निर्जीव सत्यवान का सिर सवित्री की गोद में लुढ़क गया, फिसल गया मीन्स। उसने संभल कर सत्यवान का शरीर भूमि पर लिटा दिया और स्वयं यमराज का पीछे चल दी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सवित्री चली आ रही है। उसने रुककर सवित्री को समझा बुझाकर लौटा देने का प्रयत्न किया, परंतु सवित्री अपने निश्चय से ना डिगी। उसने कहा, विद्वानों का कहना है कि सात पग साथ साथ चलने से मित्रता का श्रवण स्थापित हो जाता है, इसी नाते मैं आपसे कुछ निवेदन मीन्स विनती करती हूँ, उसको सुनने की कृपा करें। पत्नी का स्थान पति के साथ ही है, अतः जहाँ मेरे पति जा रहे हैं अथवा ले जाए जा रहे हैं वहीं मुझे जाना चाहिए, यही धर्म है। आप धर्मराज है अतः मुझे ना रोको। तो वो सत्यवान की जैसे जान निकल जाती है, वो निर्जीव हो जाता है। तो उसका सिर वो क्या करती है, अपनी गोद से उसकी लुढ़क जाता है, फिसल जाता है। तो उसे संभाल कर वो क्या करती है, उस शरीर को भूमि पर लिटाती है और खुद सत्यवती मतलब जो ये ये जो होती है सवित्री, यमराज के पीछे चली जाती है। यमराज जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि सवित्री मेरे पीछे आ रही है। वो उसे समझाता है और उसको कहता है कि तू वापस चली जा, लेकिन सवित्री होती है वो वापस नहीं जाती और उससे अपने वो इरादे पर टिकी रहती है। और वो उसको कहती है कि विद्वानों का कहना है
ज्ञानियों का कहना है कि जो सात पग मतलब सात पैर तक साथ साथ चलते हैं उसको मित्रता का संबंध बन जाता है। तो इस नाते मैं आपसे कुछ विनती करती हूँ कि उससे सुनने की कृपा करें। पति का स्थान जो होता है वो पत्नी का जो स्थान होता है वो पति के साथ ही होता है। अतः मेरे पति जहाँ पर जाएंगे मैं वहाँ ही जाऊँगी और वहीं ही मुझे जाना चाहिए। यही मेरा धर्म है और आप धर्मराज हैं, मुझे ना रोकिए। यमराज सवित्री की बात सुनकर बोले, सवित्री मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। सत्यवान के प्राण छोड़कर जो चाहो तुम मुझसे मांग लो, लेकिन यहाँ से लौट जाओ। तो यमराज जो होता है सवित्री की बात सुनकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से खुश हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो लेकिन मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण नहीं दे सकता, और उसके बदले तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकती हो और वो वरदान लो और यहाँ से चली जाओ। सवित्री ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दें कि मेरे सास ससुर की आंखें अच्छी हो जाएं और उन्हें अपना राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर अपनी राह ली। सवित्री फिर भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज बोले, बेटी तुम लौटती क्यों नहीं, क्या तुम कुछ और चाहती हो? अच्छा एक वरदान। तो सवित्री ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर खुश हैं तो मुझे एक वरदान दो कि जो मेरे सास ससुर हैं वो अंधे हैं, वो सही हो जाएं, उनकी आंखें सही हो जाएं, उनका राज्य वापस मिल जाए। और यमराज आशीर्वाद देकर वहाँ से फिर चला जाता है और सवित्री फिर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो यमराज कहते हैं कि बेटी तुम लौटती क्यों नहीं। यमराज बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मांगो, अच्छा एक और वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। This one stanza we do in next part. Thank you, student.